नमस्कार दोस्तों, DLX9 में स्वागत है। सब्सक्राइब करें DLX9 और बेल आइकन को दबाएं नए बिजनेस आइडियाज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको सिलिकेट पर आधारित डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इस फार्मूले में आपको कास्टिक सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही CBXX की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले सोडियम सिलिकेट पाउडर लें और इसमें पानी डालकर उसका घोल बना ले। आपको कितनी मात्रा में लेना है, पिछले सभी वीडियो में मैं बताया हूँ कास्टिक सोडा कितना लेकर कितना पानी डालकर उसका घोल बनाना है। आप उतनी ही मात्रा में सिलिकेट भी लें, हल्का सा सिलिकेट का मात्रा बढ़ा सकते हैं, सिलिकेट का हल्का सा ना और भी ज़्यादा मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे सिलिकेट पाउडर ऊपर से भी डिटर्जेंट पाउडर में डाला जा सकता है। सिलिकेट पाउडर डालने से उसमें पाउडर में चिकनाहट आती है, थोड़ा बहुत सफाई की भी क्षमता होती है सिलिकेट पाउडर में। कास्टिक सोडा से अच्छा सिलिकेट पाउडर भी ऐसे सल्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है। कास्टिक सोडा का घोल, सॉरी, सोडियम सिलिकेट का घोल बनाने के बाद उसे भी कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दे। हालांकि ये गर्म नहीं होता है, इसमें यही सबसे बड़ा भी फायदा है क्योंकि कास्टिक सोडा घोल बनाने के बाद उसे बहुत देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। अब किसी दूसरे पात्र में ऐसी सरली लें और जो आपके पास सिलिकेट पाउडर का घोल है यानी सिलिकेट का जो लाई है, वह ऐसी सरली में डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। कुछ देर बाद आपका ऐसी सरली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कास्टिक सोडा घोल से न्यूट्रलाइज होता है, उसी प्रकार न्यूट्रलाइज हो रहा है। CBSX डालने से भी कुछ न्यूट्रलाइज होता है, कुछ इसी प्रकार ही उससे भी न्यूट्रलाइज होता है, परंतु CBSX बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब CBSX की जगह पर सस्ता नील भी डाल सकते हैं। नील का भी घोल डालने पर ऐसी सली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब आपके पास जो भी मटेरियल है, सोडा एस, डोलोमाइट पाउडर या साल्ट या जो कुछ भी मिलाना है सिलिकेट पाउडर, जो कुछ भी, वो फर्श पर गिराकर फैला ले और उसे आपस में मिला ले। कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब आपके पास जितने भी पाउडर, सभी को आपस में अच्छी तरह से मिलाएं। इसे कुछ देर तक आपस में अच्छी तरह से मिलाते रहें। आप इसके लिए मिक्सर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब सभी पाउडर आपस में अच्छी तरह से मिल जाए तो आपके पास जो न्यूट्रलाइज ऐसी सली है वो पाउडर के ऊपर डालें और उसे आपस में अच्छी तरह से मिला ले। आप इसे भी किसी मिक्सचर में मिला सकते हैं। सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर बनाते समय आप बिना न्यूट्रलाइज किए ही उस पर छिड़क सकते हैं, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन इस विधि से डिटर्जेंट बनाने पे अच्छा रहता है, पहले ही अच्छी तरह से ऐसी सली न्यूट्रलाइज हो जाती है और जो बचा हुआ ऐसी सली रहता है वो इसमें मिलाने पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से कुछ देर तक मिलाते रहें। अब जब अच्छी तरह से सभी पाउडर और ऐसी सली आपस में मिल जाए तो उसके ऊपर से AOS पाउडर या जो कलर मिलाना है, नील आप मिला सकते हैं। नील डालने के बाद से आपको CBSX डालने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई व्हाइटनर या ब्राइटनर डालने की आवश्यकता है। सस्ता में नील से काम चल जाएगा और आपके डिटर्जेंट पाउडर का कलर भी बदल जाएगा। और आपके जो भी परफ्यूम मिलाना हो इसमें परफ्यूम डाल ले, कलर दाना भी मिलाना हो वो भी डाल सकते हैं, या कलर दाना इसे छानने के बाद से मिलाए तो बेस्ट रहेगा।
आप फिर सभी पाउडर को आपस में अच्छी तरह से मिला लें। आप इसकी जगह पर हरा, लाल, नीला कोई भी कलर मिला सकते हैं। अभी से आपस में अच्छी तरह से मिला लें। जब आपस में अच्छी तरह से मिल जाए तो आप इसे किसी छन्नी के माध्यम से छान लें। आपका डिटर्जेंट पाउडर तैयार है। अब आप इसे पैक करके बेच सकते हैं या घर पे यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे DLX9। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल DLX9 सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएँ।